नमस्कार, मैं रुचि, आप देख रहे हैं जनसंदेश टाइम्स। आइए रुख करते हैं बांदा की खबरों की तरफ, जहां वाहन चेकिंग के दौरान एक कार से 8 लाख रुपए की नकदी बरामद की गई। दरअसल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एसपी अभिनंदन ने पूरे जनपद में सभी थाना क्षेत्रों में चेकिंग बैरियर लगवाए हैं। साथ ही जनपद में आए दिन इस तरह के माफियाओं और दबंग अपराधियों को नेस्तनाबूत और जिला बदर लोगों को जेल भेजने की कार्यवाही की जा रही है। इसी अभियान के द्वारा शुक्रवार देर रात कोतवाली देहात के थाने के ठीक सामने पुलिस द्वारा चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के अंतर्गत शहर कोतवाली के इंदिरा नगर निवासी दुर्गेश तिवारी अपनी कार से चिल्ला की तरफ जा रहा था, तभी कार रोककर तलाशी ली गई। इसमें नगद 8 लाख रुपए बरामद किए गए। तत्काल कोतवाली देहात पुलिस ने पूरे मामले की सूचना सीओ सिटी को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे सीओ सिटी राकेश सिंह और एफएसटी टीम सहित पुलिस टीम द्वारा कई घंटे कार सवार से किए गए पूछताछ के बाद भी पैसे का ब्यौरा नहीं मिल पाया है। फिलहाल पूरे मामले की पड़ताल जारी है। सर, ये मवई बाईपास में अभी जो इस तरह चेकिंग अभियान है, किन चीजों को मद्देनजर रखकर किया गया है? ये आज सायं 5:30 बजे से ये लगातार चेकिंग जारी है, चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए संदिग्ध वाहन व्यक्तियों एवं कैश शराब आदि की चेकिंग की जा रही है। अभी तक कोई ऐसा संदिग्ध आदमी नहीं मिला है। सर, किसी की सूचना प्राप्त थी कि कुछ ऐसा कुछ होने वाला है? नहीं, ये चुनाव आगामी विधानसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए ये रूटीन की चेकिंग है। जनपद में 25 जगह पे इस तरह से बैरियर लगा करके चेकिंग कराई जा रही है। कोतवाली नगर में भी 2 स्थानों पे व्यापक फोर्स के साथ यह चेकिंग रूटीन में जारी है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जन संदेश टाइम्स।